हेलो दोस्तों, रोजगार हिंदू आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान और आज ये वीडियो फिर से ऑन डिमांड वीडियो है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो जॉब सीकर्स हैं, जो इस टाइम पे फिलहाल बेरोजगारी के वक्त में जो जॉब सर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस तरह के हैं जो आउट ऑफ इंडिया जॉब सर्च करना चाह रहे हैं, क्योंकि इंडिया में वैसे भी महामारी और बेरोजगारी दोनों चीज़ें ज़्यादा हो चुकी हैं। तो इसलिए आउट ऑफ इंडिया जॉब सर्च करने वालों के पास में ऑफर लेटर बहुत आ रहे हैं कंपनी के। और वो ऑफर लेटर किस तरह से आ जा रहे हैं, भले ही आप डॉक्यूमेंट्स भेज दें, CV भेज दें, तो भी आपको बिना इंटरव्यू के ऑफर लेटर आ जा रहे हैं। और यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि आखिरकार वो ऑफर लेटर जेन्युइन है या फेक। मेरे पास बहुत सारे लोग ऑफर लेटर भेजने लगे हैं जब से मैंने वीडियो बनाया है कि ₹500 मुझे रख लेना चाहिए या नहीं चार्ज। बहुत सारे लोगों ने कहा हाँ चार्ज रखना चाहिए आपको, इसलिए मैंने 500 चार्ज रख दिया है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग देख सकते हैं आपकी ऑफर लेटर भेजते हैं, 500 चार्ज भेज देते हैं, जिससे उनका कहीं ना कहीं 50,000-1,00,000 जो है वो बच जाता है। लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिरकार आपको 500 भी पे ना करना पड़े मुझे, इसलिए कि मेरे पास टाइम भी नहीं होता है ऑफर लेटर चेक करने का। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो भेज देते हैं पेमेंट, उनके लिए मजबूरी बन जाती है कि मुझे ऑफर लेटर वेरीफाई करना पड़ता है, उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। और जो वेरीफिकेशन का मैथड है मेरा, कि आखिरकार वेरीफिकेशन किस तरह से करता हूँ, किस तरह से मैं आपको बता पाता हूँ कि आखिरकार वो ऑफर लेटर जेन्युइन है या नहीं, फेक है या रियल है, तो आज मैं वो सारे तरीके आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। वीडियो में बने रहिए। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो ये मान लीजिए कि आपको किसी के सामने भी गिड़गिड़ाने की, रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई एजेंट, कंसल्टेंट या कंपनी आपसे फ्रॉड कर सकती है। कोई भी कंपनी या कंसल्टेंट हो आपके पास एटलीस्ट पैसे नहीं निकाल सकता, आपके जो बहुत मेहनत की मनी होती है, जो बहुत ज़्यादा कई सारे लोग ब्याज में पैसे देते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक्स बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की उन लोगों से जिनके पास ऑफर लेटर बहुत सारे आ चुके हैं या आने वाले हैं, जिन लोगों ने CV भी अपलोड किया। कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें आप CV अपलोड कर देते हैं या तो आप मेल करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू जो है आपको कहीं ना कहीं से जॉब ऑफर मिलती है। अब वहां पे जब आपको जॉब ऑफर लेटर आ जाता है तो उसमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं आपके पास में कि आखिरकार ये ऑफर लेटर रियल है या नहीं। सबसे पहली चीज़ें जो उसमें चेक करनी है आपको, ऑफर लेटर का फॉर्मेट, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ऑफर लेटर का फॉर्मेट जो है वो हर कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन नॉर्म के अकॉर्डिंग एक फॉर्मेट होता है। और एक कंपनी का जो फॉर्मेट होता है वो किसी भी एम्प्लॉय को दें या कितनी भी सैलरी या कितनी कैसी भी प्रोफाइल वाले को दें, वो ऑफर लेटर कंपनी के लोगों के हिसाब से, कंपनी के फॉर्मेट के हिसाब से ही होता है। कंपनी के फॉर्मेट 4 नहीं होते हैं, 10 नहीं होते हैं, कि आपको अलग अलग तरीके से फॉर्मेट हो जाए। तो फॉर्मेट आपको पहले पता करना है, जिस कंपनी से ऑफर लेटर आया है उस कंपनी का फॉर्मेट ये वाकई में असली है नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको आखिरकार ये ऑफर लेटर वेरीफाई करने के लिए कंपनी से डायरेक्ट कैसे कॉन्टेक्ट करना पड़े, कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाए आपका और वहाँ से ही आपको जानकारी मिल जाए कि ऑफर लेटर रियल है या नहीं। तो मैं आपको उसके लिए तरीके बता देता हूँ। बहुत सारे सोशल मीडिया पे अकाउंट्स होते हैं कंपनीज़ के, और उन कंपनीज़ के जो अकाउंट होते हैं उनमें जो प्रोफाइल्स बनी रहती हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि अगर मैं आपसे बात करूं कि रोज़गार हिंद, तो रोज़गार हिंद नाम से अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे या Google पे सर्च करेंगे तो रोज़गार हिंद नाम से मेरा प्रोफाइल, मेरा अपना पर्सनल प्रोफाइल भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो उस तरह से आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। Instagram पे आप मुझसे पर्सनल चैट भी कर सकते हैं, रोज़गार हिंद नाम से Instagram पे भी आ सकते हैं, Twitter पे भी आ सकते हैं। तो आपके पास जो ऑफर लेटर आया है, आप जाके LinkedIn पे, जो कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सोर्स है किसी भी तरीके की जॉब ऑफर अपॉर्चुनिटी के लिए, और वहाँ के कंपनीज़ जो हैं वहाँ बहुत सारी प्रोफाइल बनी रहती है, कंपनी के CEO हैं, जनरल मैनेजर हैं, या कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं वहाँ पे। तो आपको करना क्या होता है कि उस कंपनी का नाम सर्च करना है। सर्च करेंगे आप कंपनी का नाम, हैशटैग लगा के सर्च करें, हमेशा याद रखें, क्योंकि सोशल मीडिया पे हैशटैग की बहुत वैल्यू होती है। और आपने हैशटैग से अगर नाम सर्च किया तो आपको उस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोफाइल मिलेंगे, प्लस कंपनी का एक अलग अकाउंट होता है, तो कंपनी का जो अकाउंट होता है उसको भी वेरीफाई करें कि वो ओरिजिनल अकाउंट है या फेक है। बहुत सारे लोग किसी के नाम से ही फेक अकाउंट बना लेते हैं। उसके बाद में ट्विटर में सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपके पास में किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन है या ऑफर लेटर है, तो आप जाके किसी पर्सन को, एक पर्टिकुलर पर्सन को अपने जो ऑफर लेटर को इमेज बना के टैग कर सकते हैं। और अगर आप कंपनी को टैग कर देंगे वो ऑफर लेटर, कैसे टैग करना है आप स्क्रीन पे बकायदा देख सकते हैं कि ऐसे आप जाके वहाँ पे हैशटैग लगा के और टैग कर सकते हैं। उससे क्या होगा, क्वेश्चन मिली रिप्लाई कर देते हैं कि हाँ ये रियल ऑफर लेटर है, और अगर फेक होता है तो भी वो बता देते हैं कि हाँ हमारी कंपनी का फॉर्मेट नहीं है ये।
फेसबुक पे भी आपको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी मिल सकती है इस चीज़ की, क्योंकि फेसबुक पे कई सारे ऐसे ग्रुप्स बने हैं जो फेक ऑफर लेटर को वेरीफाई करते हैं। मीन्स कि कंपनी की अगर कोई डिटेल होगी, अगर मैं इंडिगो की बात करूं एक एग्जांपल, जो कि बहुत सारे लोग ऑफर लेटर लिए बैठे रहते हैं, कल ही मेरे पास तीन चार ऑफर लेटर आए इंडिगो नाम से। तो इंडिगो की अपनी एक वेबसाइट होती है, इंडिगो का अपना एक प्रोफाइल होता है और अपना एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है, जिसपे कि लोग अप्लाई जब करते हैं तो डायरेक्ट जाके कहीं कहीं आपको अप्लाई करना होता है, और उसके बाद एक फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, इस तरह से पूरा लॉन्ग प्रोसेस करने के बाद में आपका सिलेक्शन होता है, वहाँ से ऑफर लेटर तब मिलता है। लेकिन आजकल आपको कंसल्टेंट भी आपको ऑफर लेटर देते होंगे, ऑफर लेटर देने के बाद में आपसे पेमेंट जब ले लेते होंगे, उसके बाद आपका फोन उठाना बंद हो जाता है। तो आप जो है एक प्रॉपर जो लिंक्डइन पे या तो ट्विटर पे जो उनका अपना प्रोफाइल होता है कंपनी का, या उन जैसे कि आपको अगर मैं एयरलाइंस की बात करूं तो एयर इंडिया का अपना एक प्रोफाइल है जिसके सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं। तो अगर आपको एयर इंडिया से कोई ऑफर लेटर आता है तो आप जाके एयर इंडिया के ट्विटर हैंडल अकाउंट में वो ऑफर लेटर बाकायदा टैग करें। एयर इंडिया का टैग जो है वो आपको जैसे ही प्रोफाइल ट्विटर की खोलेंगे वो मिल जाएगा, और उसके बाद हरदीप सिंह पुरी को भी टैग करें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो वहाँ पे कंप्लेन आपकी नोट डाउन की जाएगी, वहाँ से रिप्लाई भी आपको मिल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि बहुत सारे लोगों के पास में जब ऑफर लेटर आ जाता है तो उस पर ऑफर लेटर पर कंपनी की वेबसाइट जो होती है वो दी रहती है, कंपनी की ईमेल आईडी दी रहती है, कंपनी का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, और उसके बाद में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सोचते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है इसमें कॉन्टैक्ट करने के बाद में शायद आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एक चीज़ आपको देखने की बहुत ज़रूरत है, मैं आपको बता दूं, जो स्कैमर्स होते हैं ना उनके पास भी एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, उनके पास वेबसाइट डेवलपर्स भी होते हैं। इवन मैं आपको ये भी बता दूं, तो अगर मैं एक कंपनी की बात करूं कि अगर ये indigo.com है, indigo.in है, indigo.org है और indigo.uk, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट कोई क्रिएट कर सकता है। वो कब क्रिएट कर सकता है? जब डोमेन से एक इंडिगो एयरलाइन जो है उसने सारे डोमेन नहीं खरीद रखे होंगे। तो अब इंडिगो में अगर आप ये जान लीजिए कि इंडिगो का आपके पास ऑफर लेटर आया है और उसके बाद में लास्ट में ईमेल आईडी अक्सर ऐसी दी होती है कि info@indigo.com या indigo.in या indigo.org, तो इस तरह की अगर वेबसाइट में आपको ईमेल आईडी दी होती है उसमें क्या करते हैं, आप कॉन्टैक्ट करते हैं। अब मेल पर कॉन्टैक्ट करने के बाद में आपको रिप्लाई भी आ जाता है, और रिप्लाई आ जाने के बाद में आपको ये 110% कन्फर्म हो जाता है कि ऑफर लेटर एकदम रियल है। आखिरकार उसको कैसे पहचानेंगे आप कि वो रियल है कि नहीं? सोचने की बात ये है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो वेबसाइट है, जो ईमेल आईडी है, वो उन कंसल्टेंट की खुद की ईमेल आईडी बनाई हुई होती है, वो डेवलपर्स की खुद की बनाई हुई ईमेल आईडी होती है, जो आपको सोशल मीडिया पे एटलीस्ट नहीं मिलेगी। तो लिंक्डइन पे डालेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अकाउंट्स खुल के दिख जाएंगे, या तो उन्होंने मेल की होगी तो भी आपको मिल जाएगा, या तो आप हैशटैग डाल देंगे indigo.com तो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फ़र्क सिर्फ इतना देखना है कि .in है या .com है या .org है। यहाँ पे स्पेलिंग की ज़रा सी मिस्टेक्स को लोग ध्यान नहीं देते हैं और उनको लगता है कि वो ऑफर लेटर जहाँ मेल की उन्होंने कंफर्मेशन के लिए वो रिप्लाई आ गया है, मींस कि कंफर्म है, ये रियल है ऑफर लेटर, और यहीं पे फंस जाते हैं लोग। तो आपको पहली बात तो ये वेबसाइट पे यकीन नहीं करना एकदम से कि वाकई में ऑफिशियल वेबसाइट है। वो डेवलपर्स जो है कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए वेबसाइट को डिज़ाइन कर लेते हैं, और उसके बाद उतने ही टाइम पीरियड में वो सारे स्कैमर जो है वो फ्रॉड करते हैं सबके साथ जो जॉब सीकर्स होते हैं। तो ईमेल आईडी जो होती है और जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो भी आप जान लीजिए कि जब आप उस पर कॉल करेंगे तो हो सकता है कोई आपसे कहे यस वेलकम टू इंडिगो एयरलाइंस, आपको लगेगा कि इंडिगो एयरलाइंस के कस्टमर केयर में, मीन्स कि आपके जो इंक्वायरी डिपार्टमेंट है वहाँ पर कॉल पहुँच चुकी है। तो आप वहाँ से पूछते हैं कि आपके पास में एक ऑफर लेटर आता है, ऑफर लेटर में एक रेफरेंस नंबर दिया होता है, रेफरेंस नंबर जब आप वहाँ पर बताते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, कैंडिडेट्स को लगता है ये रेफरेंस नंबर कन्फर्म हो गया मेरा, मतलब ये ऑफर लेटर रियल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये स्कैमर्स के ही लोग बैठे होते हैं वहाँ पर जो आपके ऑफर लेटर को वेरीफाई करते हैं। आपको ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि आखिरकार ऑफर लेटर की जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, वो कैसे चेक करना है। मैंने ऑफर लेटर पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और सबसे ज़्यादा टॉप पे मेरा ही वीडियो आता है। आप रोजगार हिंद का वीडियो देख सकते हैं, आपकी फेक जो ऑफर लेटर में कितने सारे मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, बहुत सारे लोगों को हेल्प भी मिली है इससे।
अभी तरीके क्या होते हैं ऑफर लेटर में, कौन कौन से मिस्टेक्स हैं, फॉन्ट कैसे होता है, डिज़ाइन कैसे ऑफर लेटर की देखते हैं, सैलरी कितनी होनी चाहिए ऑफर लेटर में, आखिरकार आपकी प्रोफाइल वो मैच कर रही है नहीं, डॉक्यूमेंटेशन से सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू से हुआ है या आपको डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ है, डायरेक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, आपको वीडियो कॉलिंग पे अगर इंटरव्यू होता है तो शायद जेन्युइन इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन अगर आपको वीडियो कॉलिंग पे नहीं इंटरव्यू हुआ तो फेक इंटरव्यू ही माना जाएगा। बहुत सारे इस तरह के मैंने तरीके बताए हैं। जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी मैंने आपको वो बताई, सोशल मीडिया पर आप जिस तरह से स्क्रीन पर देख सकते होंगे ये सारे तरीके आप आजमा सकते हैं। सोशल मीडिया में लिंक्डइन है, फेसबुक है, और आप इंस्टाग्राम पे भी आप पा सकते हैं, आप ट्विटर हैंडल पे तो आप जाके कंप्लेन भी चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरह के लोगों से बच के रहना है, ऑफर लेटर वालों से, और आपको ऑफर लेटर में या इस तरह की जो चीज़ें सामने आती है स्कैम से रिलेटेड आप हमें बताएं, हम उस पर रिसर्च करके इन्वेस्टिगेशन करके आपके सामने वीडियो बना के जरूर लाएंगे और उसका सोल्यूशन निकालेंगे और आपको इस तरह के स्कैमर से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी करिए उन लोगों तक जिनके पास ऑफर लेटर आते रहते हैं और परेशान रहते हैं, उनको 10,000 या 20,000 रुपये देना पड़ता है उस ऑफर लेटर के बेस पे, कई बार लाखों रुपये भी कनाडा या यूरोप का ऑफर लेटर आ गया। तो चलिए मिलता हूँ अगले कुछ और टॉपिक्स के साथ अगली वीडियो में, तो तब तक ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।